गाइस कैसे हो यार। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज माय लास्ट डे इन बेंगलोर और अभी सुबह का टाइम हुआ है, मतलब 9:38 हो गया। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। इसके बाद में थोड़ा बहुत हम घूमेंगे फिरेंगे, या फिर मतलब मेरा यार सीरियसली बाहर जाने का मन है नहीं। सो हम सारा टाइम घर पे ही रहने वाले हैं, मतलब घर पे भी तैयारियां करनी है क्योंकि कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए तो अच्छे से तैयारी वगैरह करेंगे फिर अपना आगे का दिन बढ़ाएंगे। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सबसे पहले फोन चार्जिंग पे लगाने का सेंस बताओगे तुम मुझे, क्योंकि जब हम ये कार्ड निकालने वाले हैं यहाँ से तो सारी इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ से चली जाएगी, तो इसको लगाने का मतलब सेंस क्या है मेरे को समझा नहीं। मैं आऊंगी अभी तो क्या पता मुझे याद रहे ना रहे, तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना डेली वाला खाना हम लेके आ गई है। ये तो इडली चटनी यही खाएगी अभी, और भाई अपना तो ब्रेड आ गया, चाय आ गई, काफी है इतना ही। नहाया नहीं और खाने आ गए तुम। हाँ, ब्रेकफास्ट करके आए यार हम लोग। लेकिन ब्रेकफास्ट में यार मेरी ना एक कंप्लेंट है यहाँ पे इस होटल में। डेली मतलब वही सेम खाना होता है यार। मतलब कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो है एक दो चीज़ें चेंज होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही चीज़ें होती हैं। सो मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, मैंने वाइट ब्रेड खाई और चाय पी। जूस पीने का मेरा मन था बाद में, बट हीना ने ऐसा फेस बनाया वहाँ पे कि नहीं तो मैं उधर की साइड गया ही नहीं फिर, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत गंदा होने वाला है। सो अभी हम जा रहे हैं नहाने, फिर हमें मंदिर भी जाना है आज, तो अभी मंदिर चलते हैं फिर इसके बाद में। बेंगलोर में एक चीज़ जो ख़राब है वो ये भी है कि यहाँ पे ना कपड़े नहीं सूखते, इवन अंडरवियर के लिए भी मतलब प्रेस कर रही है तब जाके सूख रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन ना वेदर ऐसा ही रहता है, धूप निकलती नहीं है, बहुत कम धूप, अभी भी जैसा वेदर है धूप नहीं निकली हुई। सो पूरा टाइम मतलब ऐसे ही करना पड़ता है हम लोगों को। सो मैं नहा के अभी तैयार हो गया हूँ, हीना भी यहाँ पे तैयार हो गई है, लड़की ने थोड़ा इंडिवियर पहना हुआ है यहाँ पे। अपन तो अपना वही लोअर टी शर्ट में मंदिर जा रहे हैं अभी। यहाँ पे यहाँ से ना 1 किलोमीटर दूर ही एक मंदिर है, और अभी 11:15 हो गया है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि शाम की मेरी ट्रेन भी है यार। बेंगलोर आओ तो यार ट्रैफिक पुलिस का ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं और चलान ना भर भर के काटे जाते हैं भाई, यहाँ पे मिनटों में पकड़ लेते हैं, यहाँ पे छोड़ते नहीं है भाई। मंदिर की बात की जाए ना यार, मुझे नहीं लगता बेंगलोर से ज्यादा खूबसूरत मंदिर कहीं पे होते होंगे। कितने अच्छे से बनाया हुआ है गणेश जी का मंदिर। अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे इस तरह की कुछ टोकरी मिलती है, अपने यहाँ अलग तरह की मिलती है। और यहाँ पे हीना माला लेती हुई गणेश जी के लिए। हमें यहाँ पे उतारने बोला है और मंदिर है इधर सामने। कोई नहीं चुराएगा तुम्हारी चप्पल। मतलब हम लोग इतने रिलीजियस पर्सन है नहीं कि हम लोग मंदिर आए हैं तो हम डेली मंदिर जाते हैं, डेली घर पे पूजा करते हैं। बचपन से मैंने कभी डेली पूजा नहीं की, पर कभी कभी मन करता है एक्सप्लोर करने का मंदिर। मतलब मंदिर इसलिए नहीं आते कि हमको कुछ मांगना है या फिर हमें कुछ चाहिए भगवान से, जस्ट एक हमारा एक कैसे बताऊँ मन कर गया आज। हाँ, मन करता है कभी कभी। रंगोली तो यहाँ बहुत कॉमन है, मैंने पीजी के बाहर भी देखा था बहुत जगह रंगोली बनाई हुई थी। यहाँ पे अपनी सद्बुद्धि के लिए नारियल ब्रेक करने वाली है अभी अपनी सद्बुद्धि के लिए नहीं, सबकी हेल्थ के लिए। नहीं, तुम्हें बुद्धि की जरूरत है ना, पर सबसे ज्यादा चलो करो जल्दी से। कहाँ? यहाँ पे। क्या बात है लड़की, एक ही बार में दोबारा मार लो ना उधर। चलो हाथ जोड़ो सला चलो तुम मेरी धर्म पत्नी हो यहाँ से। कौन से महाराज है? शिवजी महाराज। क्लीन मंदिर एकदम, इतनी क्लीन है।
सुंदर है ना यहाँ के मंदिर, छोटा था। जस्ट मंदिर से बाहर निकले हम लोग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। पंडित जी भी मतलब बहुत सपोर्टिंग थे, क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ का कैसे कुछ होता है, तो उन्होंने सब चीज़ें बताई हमको। बट कैमरा ऑफ करने के लिए बोल दिया, वो बात अलग है क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। सो काफ़ी मज़ा आया, और ब्लेसिंग्स हमने आप लोगों के लिए भी मांगी कि सबकी हेल्थ अच्छे से रहे। हम जहाँ भी रह रहे हैं वो जगह का नाम है कौर मंगला। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे हर चीज़ पास में है, मतलब जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, टेम्पल, पार्क और मतलब होटल, खाने पीने का सारा आइटम सबसे ज़्यादा पास में है। तो कभी भी आप अगर बेंगलोर आ रहे हो तो कौर मंगला में आकर रुक जाओ किसी भी होटल में, ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लोगे। क्योंकि ये मतलब मेरा सुना है ऐसा कि बेंगलोर की सबसे पॉश एरिया यही है, क्योंकि जो पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन है उसका भी यहाँ पे ही घर है, एक मतलब बंगलो है उसका यहाँ पे। हमने देखा नहीं बट मुझे बताया किसी ने यहाँ पे ऐसा। 12 बज गए यार और हम आ गए वापस अपने होटल। यहाँ से 1.5 किलोमीटर था बट हम पैदल ही गए क्योंकि वेदर इतना अच्छा था। दिल्ली में होते तो शायद नहीं जा पाते 1 किलोमीटर भी पैदल, क्योंकि वहाँ तो गर्मी बेमिसाल होती है, बट यहाँ पे वेदर इतना अच्छा था तो पैदल चलते हुए इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, ना ही पता चलता है कि तुम दूर गए हो। सो जस्ट अभी आए हैं, अभी हल्की सी भूख लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ चाय ऑर्डर कर दूँ, चाय पीने के बाद में देखते हैं क्या करते हैं। 2 बज गए अभी और हम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बज गए अभी जा रहे हैं हम लंच करने। लंच करने को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हमें, बट यहाँ का खाना ना बहुत डिफरेंट है दिल्ली से। तो इस होटल के जस्ट नीचे एक रेस्टोरेंट है, सो वहाँ पे अभी हम करने जा रहे हैं लंच और कुछ स्पेशल सा खाएंगे आज, क्योंकि मेरा आज आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है। इतने खुश हो? नो, आई एम रियली सैड, मैं क्या बताऊँ। नहीं, मैं सच में दुखी हूँ मैं यार, मतलब हीना को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ यार, सीरियसली। सो अभी चलते हैं लंच करने। लंच कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, मतलब लंच करके आए हम दोनों और आते हम दोनों सो गए, और अभी 7 बजने वाले हैं भाई, मतलब देख रहे हो 3-4 घंटे हम लोग सो गए, और मेरी आज रात की ट्रेन है और कुछ भी तैयारी नहीं है मतलब मेरी अभी तक। सो अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए कि रास्ते में अगर मुझे भूख लगे, क्योंकि 33 आवर्स की मेरी मतलब 33 आवर्स लगेंगे मुझे ट्रेन में दिल्ली पहुँचने के लिए, तो बहुत लंबा सफ़र है यार, तो कुछ रास्ते में खाने के लिए चाहिए, क्योंकि ट्रेन का जो खाना होता है ना बहुत ही गंदा होता है, आप लोगों को भी पता ही है, तो सूट नहीं करता वो। तो अभी बाहर जा रहे हैं हम दोनों, देखते हैं कुछ मिलता है तो, नहीं तो फिर अभी तो मतलब रेलवे में ऐसा हो गया है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो मतलब, तो देखते हैं आज उसे भी मैं करके कि अगर वो होता है कि नहीं होता है सच में। तो ये मोटू भाई मतलब मंदिर से ये लेके आई थी नारियल, इसको चम्मच से निकाल निकाल के खा रही है क्योंकि इसे तोड़ के निकाला नहीं जा रहा, इतनी आलसी घोड़ी है ये। निकल ही नहीं रहा है, तुमने भी निकाल के ट्राई किया ना? और कुछ लेने आए थे हम लोग, कुछ मिला तो नहीं क्योंकि सारा यहाँ पे साउथ इंडियन ही है, इसके मतलब की होती चीज़ तो मिल जाती, बट मेरे मतलब का तो कुछ मिला नहीं। बैक होटल जा रहे हैं क्योंकि सामान पैक करना है थोड़ी देर में, 1 घंटे में मुझे निकलना है यहाँ से, तो या तो कैब बुक करूँगा या देखता हूँ कोई बस मिलती है तो। तुम मेरे लिए ये खाऊँगा चिप्स, ये वाला एक और ले लो, एक और, अरे ले लो ना एक और। बहुत कंप्लेंट करते हैं बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में, तो रीज़न ये है कि बहुत ही छोटी रोड है ये, और मतलब कार्स बहुत ज़्यादा हैं यार मतलब लोगों के पास यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है जो लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे वो लोग भी स्कूटी से ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई पूरा ऐसे भरा रहता है जब ऑफिस का टाइम छुटता है ना, मतलब जब छुट्टी टाइम होता है ऑफिस का, तो बहुत बुरा ट्रैफिक लगता है वैसे। बट अगर कंपेयर करो दिल्ली के ट्रैफिक को तो सेम सा ही है यार, मतलब जितना टाइम तो मैं यहाँ पे लगेगा उतना टाइम दिल्ली में भी लगता है। कौन सा वाला है ये? ये पाइनएप्पल। चॉकलेट। जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। ज्यादा ही खुश हो। जस्ट होटल वापस आया यार, और 7:35 हो गया टाइम, अभी मुझे तैयारी करनी है बहुत जल्दी जल्दी ही ना। मेरा बैग वगैरह कपड़े वगैरह निकाल दो यार, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना लगा हुआ है बाहर, तो कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा यार। अब क्या क्या रख रही हो तुम यहाँ पे? यहाँ मैंने तुम्हारे पैकेट्स रखी है, और मेरी जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, ब्रश और पेस्ट,
दोनों इसी में ही है क्या? हाँ ठीक है। लैपटॉप बैग मेरा है। माय लास्ट डे यार, सो हीना मुझे फिर से खिलाने लेके आई, मतलब उसको इडली खानी थी और मेरे को ये परोठा बहुत अच्छा लगा था तो मैं खाने आया हूँ इसे। सो अब हम लोगों का डिनर हो रहा है, बस इसके थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, 9 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे अभी। तो बैग पैक हो गए हैं भाई यहाँ पे और अब कैब भी बुक हो गई है, नीचे है बस। सो अब बस चलना है यहाँ से। हीना जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। ध्यान रखोगी ना अपना? बकवास मत करो। भैया बैग टांग लिए हमने और ये खोल लिया है हमने अपना गेट। छींक दिया, पानी पिलाओ पहले मुझे, अब ऐसे नहीं जाऊंगा। पानी पिलाओ, पानी दो जल्दी से। छींक रही है लड़की घर से बाहर निकलते ही, क्या चाहती हो, क्या इरादा है? बाय। तो मैं पहुंच गया हूँ यशवंतपुर स्टेशन और 11:45 हो गया है टाइम। घर से मैं 9 बजे के आसपास निकला था लेकिन ट्रैफिक की वजह से यार इतना टाइम हो गया। बेंगलुरु का ट्रैफिक यार सच में देख लिया आज तो मैंने, बहुत गंदे वाला होता है। तो पीछे स्टेशन है बस, मैं यहाँ से पानी की बोतल लेने आया हूँ, फिर मैं अंदर ट्रेन में जाके बैठूंगा। पता नहीं आई होगी नहीं आई होगी अभी। मेरा लक कितना अच्छा है यार, यहाँ पे ट्रेन सामने ही खड़ी है जब मैं एंटर कर रहा हूँ अभी। वाओ, मतलब स्टेशन में एंटर किया और ये वाला मेरा कोच है, तो भाई लक तो आज मेरे पे मेहरबान हो रहा है। सॉरी ये वाला नहीं है, मेरा B12 है, उधर की साइड है, तो बस थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा। तो इंडियन रेलवे यार, अभी पिलो मिलना स्टार्ट हो गया है, ये मिलना स्टार्ट हो गया है, मुझे तो डर था कि कहीं मिलेगा ही नहीं, ठंड में मर जाऊँगा, बट स्टार्ट हो गया है अभी। सो अभी टाइम हुआ है, अभी 1 आवर है मेरी ट्रेन को चलने में। सो मेरी यार सुबह मतलब 7 बजे ट्रेन आनी थी आज, लेकिन अभी रात के 11 बज रहे हैं, मतलब कितने घंटे लेट है यार आप समझ जाओ। और ट्रेन का खाना मुझे सूट नहीं करता तो कुछ खाया भी नहीं है, भूख लग रही है यार। अभी मेट्रो स्टेशन आया हूँ क्योंकि मेट्रो से जाऊँगा, कैब बहुत महंगी आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी आ रही है। तो बस अब चलते हैं यार जल्दी जल्दी घर।